बड़ा ऊपर लगा छोटा नीचे और सबकी जान हमारे विनोद भाई कहाँ है विनोद भाई आगे आओ विनोद भाई आगे आओ आप पोस्टर के पीछे मत छुपो यार आपको तो सामने आने हैं भाई विनोद आप लोग से गुजारिश है विनोद का शर्माना दम कर दो बहुत शर्माना पोस्टर आप देखिए अब विनोद क्या करते हैं इस पोस्टर के साथ कुछ कहेंगे अब तो बोल दो सारे दोस्त तुम्हारे हैं यार आर्टिस्ट भी तुम्हारे को मोटिवेशन ये फिल्म की जो ट्यून है वो हरियाणवी है बोलो जय हरियाणा जय हरियाणा आवाज नहीं है यार खाली दूर दूर से फैन फॉलो आप थैंक यू शहबाज भाई क्या कहेंगे पोस्टर देख के आपको कैसा फील हुआ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा पोस्टर है मैं विनोद को फिर से मुबारकबाद देता हूं और हम लोग सुनील पाल भाई हम और बिंदु सिंह भी है पिक्चर में और बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे आप लोग जरूर आइएगा देखने के लिए हाउसफुल होगी यस शाहरुख साहब कैसा लगा ये पोस्टर अब दोस्तों को हमको बताइए विनोद के दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं भाई विनोद भाई के जो दोस्त हैं मेरे दोस्त हैं तो प्लीज मैंने आपसे कहा कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से थोड़ा सा प्यार मेरे भाई को दीजिएगा दिल खोल के प्लीज थैंक यू सो मच विनोद भाई अच्छे इंसान है दोस्तों क्योंकि परसों मेरे ऑफिस में आए थे मुलाकात हुई तो मैंने इनसे कहा था मतलब यार बहुत बड़ी बात होती है अपने आप के ऊपर की बायोग्राफी बनाना जो हर कोई नहीं बना पाता है जैसे कि मेरे भाई है सुनील भाई ये थ्री इडियट वाले हैं देवानंद साहब को बहुत फॉलोअप करते हैं ये फिल्मों पर फिल्में बनाते जाएंगे और लोगों को आप लोगों का एंटरटेन करते जाएंगे ये है सिर्फ सुनील पार पूरे बॉस आप यकीन नहीं मानेंगे जितने कॉमेडियन है मैं बोलना नहीं चाहूँगा सब मेरे भाई दोस्त है लेकिन ये आदमी की अकेली हिम्मत है जो फिल्में बनाते रहता है और आगे भी बनाते रहेगा मेरा थैंक यू सो मच बहुत बहुत थैंक्स मेरे सुनील भाई को भी इन्होंने बहुत अच्छा हमारे को कॉपरेट किया है और साथ दिया है और इस महफिल को सजाने में इन्होंने जो आप लोगों को हंसी के गुलछड़े दिए हैं उससे तो आप वाकिफ भी हो और आगे देखो फिल्म में क्या क्या करने वाले हैं तो सुनील भाई पोस्टर कैसा लगा एक बार जोरदार ताली इस पोस्टर के लिए बहुत बढ़िया फिल्म बनने वाली है मैं इस फिल्म में हूँ आप भी कोई फिल्म बनाएंगे तो मुझे आप फिल्म में रखिएगा मुझे अपने फिल्म में रखेंगे क्या आप फिल्म में मुझे रखेंगे मेरा भाई बहनों क्या आप फिल्म बनाएंगे तो मुझे रखेंगे मैं फिल्म में काम करूंगा मेरा कोई ईगो नहीं है सिर्फ पेमेंट है हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं ये सब मूवी में हम सब लोगों को आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है तो हम विश करते हैं कि आप सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा हम लोगों को और विनोद जी को कंग्रेट्स मेरी तरफ से एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो विनोद जी हैं एक नया जोशीला कलाकार है और अपनी ज़िंदगी के ऊपर ये पिक्चर बना रहा है मतलब बायोग्राफिकल फिल्म बनाना बड़ा हिम्मत का काम होता है कोई और बनाए तो बात अलग है लेकिन खुद बनाना तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद इसको देता हूँ पोस्टर का लॉन्च भी बहुत अच्छा है और मैंने कहानी सुनी है बहुत अच्छी कहानी तो कोशिश करेंगे हम लोग कि कुछ अलग सी कुछ अच्छी एंटरटेनिंग के साथ साथ सीरियस फिल्म होगी और आप सबका साथ चाहते हैं मीडिया का साथ चाहते हैं ऑडियंस का साथ चाहते हैं फिल्म तैयार होने के बाद फिर एक बार आपके सामने आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे और सर काफी ऐसा आपने कैंडिडेट से ये तो हाँ, दिया है हाँ, और ये फिल्म से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो आप शेयर करना चाहते हैं कैसे स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट कुछ बताना चाहेंगे किसे आपको अप्रोच किया गया नहीं ये मेरे पास आया विनोद और इसने अपनी इच्छा जाहिर की कि एक अपनी जिंदगी के ऊपर ही बनाना चाहता है और नेगेटिव किरदार के लिए मेरे पास वो उसने कहा कि मैं आप ही के बारे में मैंने सोचा लिखा ये आप ही मेरे दिमाग में थे तो मैंने भी देखा इसका जोश देखा और किसी कलाकार का जो कुछ करना चाहता है उसका साथ देना बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है बहुत पुण्य का काम है और हम सब इसके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि इसकी मदद करेंगे कि अच्छी से अच्छी फिल्म बना के ऑडियंस के सामने पेश करें नहीं मैं नेगेटिव है बस इतना बोल दिया था गलतियाँ बोले तो किस जुर्म में है ये कौन सी गलतियाँ
मेरी काफ़ी सारी गलतियाँ हैं इसमें, मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ यार कि आगे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं, जन जो भी है वो मेरे जैसा ना करें, क्योंकि मैंने गलतियाँ की है, काफ़ी सारी गलतियाँ की है, तो मैं यहाँ तलक पहुँचा हूँ। मैं इसमें जितनी भी गलतियाँ की है मैंने वो सब बताया। और सर का सबसे अच्छा ये है कि हरियाणा में सर को काफ़ी लाइक करते हैं, और जो सर के इस पिक्चर में जिनके साथ में मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो सर के किरदार में है। सर से मिलते जुलते हैं इसके हैं। थैंक यू आप सबको, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिक्चर को जरूर देखें। मैं इसमें कॉमेडी कैरेक्टर कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म जो है जैसा कि आपको पता है बायोपिक है, तो जाहिर सी बात है जब रियल स्टोरी होती है तो उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर होते हैं, कोई विलन होता है, कोई मजाकिया होता है, कोई कुछ होता है, जीवन इसी का नाम है। तो ये रियलिस्टिक स्टोरी पे बन रही है, तो अगर रियलिटी पे बनती है तो कॉमेडी का जो पक्ष है वो हम दोनों की जोड़ी रहेगी, दोनों की जोड़ी रहेगी। और शाहबाज भाई के साथ काम करने का मेरा सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि शाहबाज भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे और हम सब आपके ये बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार, पर्दे पर आपने इनका छोटा पर्दा बड़ा पर्दा हो धमाल देखा है, तो इस फिल्म में भी आप एक अलग अवतार इनका देखेंगे, और साथ में मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं ये गलतियाँ करने को तैयार हूँ। गौरी गौरी बताओ, आप इस फिल्म का पार्ट है गलतियाँ, तो जिंदगी में जो गलतियाँ करता है अक्सर वो सीखता है ज्यादा, राइट? तो ये आप आई थिंक आपकी डेब्यू फिल्म है? नो। अच्छा, तो आपकी डेब्यू फिल्म नहीं है फिर भी अगर किस तरह से आपको अप्रोच किया गया, क्या कहना चाहिए कुछ? या बिल्कुल, हाय माय नेम इज गौरी वानखेड़े, और वी एंड वी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट गलतियाँ। इसके पहले मैंने मराठी मूवीज़ की, राजस्थानी काफ़ी सारी मूवीज़ की है एज अ लीड में, और अभी मेहताब खान जी ने मुझे इस मूवी के लिए एज अ लीड के लिए चॉइस किया है, और उन्होंने मुझे कहा था कि विनोद जी की अपनी स्टोरी है बायोग्राफी, तो मैंने कहा वाव यार, यंग हीरो, यंग प्रोड्यूसर इतने जल्दी कर निकाल रहा है, तो चलो इसलिए मैं इस मूवी में सर के साथ जुड़ी हूँ, और इतने बड़े बड़े स्टार है उनके साथ काम करूँगी, और आई एम वेरी हैप्पी और थैंक यू सो मच। और गलतियों से ही इंसान सीखता है, जैसे विनोद जी सीखे उन्हें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा इस मूवी में। वैसे हम सब हर चीज़ हर वक्त सीखते रहते हैं। एक सवाल आपसे उठता है मैम कि आपने कहा काफ़ी फिल्में आपने की पहले भी, तो स्टोरी जरूर आपने सुनी होगी, कैसी लगी हो, क्या कुछ चीज़ें उसके बाद ही आपने यस कहा? या बिल्कुल, एक्चुअली सर ने मुझे सरप्राइज़ दिया हुआ था, बिकॉज सर ने मेरा काम देखा हुआ था मेहताब जी ने, तो उनको अच्छा लगा, उनको जो कैरेक्टर चाहिए था उन्होंने जस्ट मुझे प्रिटेंड किया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो, और विनोद जी के अपोजिट कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा है। और थैंक यू सो मच मेहताब जी, और मेरे जितने भी स्टार कास्ट है यहाँ पे उनको मैं दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक बंदे का जिक्र करना हम लोग निकल गया जहन से, जो बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है, तो फिल्म का डायरेक्टर है मेहताब, इसने सारी मेहनत की है मेहताब खान। सर यहाँ पे भेजिए ना, रात दिन एक करके रखा हुआ है कि हम लोग मतलब इसमें गलतियाँ ना हो, इसलिए फिल्म का नाम है गलतियाँ। फिल्म का स्टार्ट बस विनोद जी वैसे में काफ़ी पुराने मेरे मित्र थे, लगभग हम लोग 8-9 साल पुराने दोस्त थे, मगर अभी उन्हें रिसेंटली हम लोग हम मिले, और फिर उन्हें मेरा काम तो वैसे जानते ही हैं उस हिसाब से, जैसे कि जितना जल्दी शूट पे जाने वाली है मूवी, तो नाम है गलतियाँ, तो ऐसा क्या होगा कि ऑन शूट पे ये गलतियाँ ना हो, गलतियाँ ना हो इसलिए तो बना रहे पीछे। वो आपने समझा दिया, हम गलतियाँ नहीं करेंगे। हम लोग दरअसल सर काफ़ी लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि फिल्म को लेकर तैयारी करने में 5-7 महीना खराब करते हैं, हम टाइम खराब नहीं करते,
सीधे काम में जाते हो, तो लेकिन मैंने काफी तैयारी पहले से करके रखी थी, लास्ट पूरा महीने से तैयारी कर रहा हूँ। 17-18 तारीख को जाने वाले मार्च में रिलीज करने की कोशिश करेंगे। राइटर ने ये स्टोरी लिखी है तो पर्टिकुलर इनके कैरेक्टर को लेकर लिखी है या फिर आपने पहले डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर होंगे मेरे स्टोरी के? नहीं, जो है वो रियल है। रियल तो है, हाँ। आपने ये इमेजिन किया था कि नहीं मैं इस कैरेक्टर के लिए सर बनूंगा या इस कैरेक्टर? नहीं सर, मेरे पहले से दिमाग में, सर पहले से दिमाग में, सर दिमाग में उसमें कुछ गलतियां होंगी क्या? डर लगेगा कि आपको शाहबाज सर के साथ इनसे काम लेने के लिए? शाहबाज सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है और काफी नहीं, टेंशन नहीं, अभी डरा हुआ यार तुम ऐसे क्या गलती है, कहीं कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। सर हमारा एक परिवार है, कुछ गलतियां भी होंगी तो हमें समझा चलो साहब हो गया आई बैठो ना बोलिए। अरे मैं जैसा मैंने अंदर कहा, मैं विनोद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शाहबाज अंकल, सुनील अंकल और सारी कास्टिंग क्रू ने बहुत कुछ बोल दिया विनोद भाई के लिए, और जो हमने अंदर देखा है, जो महसूस किया है विनोद भाई के लिए, जो आवाम के दिल में जो प्यार है वो हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं साक्षात। तो डेफिनेटली ये बहुत धमाल करने वाली है, इतनी दुआएँ लेके जो चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म कमाल करेगी करेगी, नो डाउट। तो बिल्कुल बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस फिल्म में नहीं हूँ बट फिर भी विनोद भाई की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाई है। दिलीप अंकल की बेटी की शादी है, मैं सूट पहन के यहाँ पहले आया हूँ, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये इनकी मोहब्बत है डेफिनेटली। तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, थैंक यू सो मच।